मेरा नाम अक्षय कुमार है। मैंने एमटीएस 2016 क्वालिफाई किया था विद ऑल इंडिया रैंक 1300। आप जो है जिंदगी भर इसी में रह जाएंगे, 3 to 4 years अभी मिनिमम आप सभी जो है वो प्रमोशन होगा ही होगा। ओके सर, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेडिकल एग्जामिनेशन क्या एसएससी एमटीएस में होता है या फिर नहीं होता है? कितने स्टूडेंट्स को मिथ है कि मेडिकल बहुत टफ होता है, कितने को लग रहा है कि मेडिकल होता ही नहीं है, तो ये मेडिकल एग्जाम का क्या सीजन है, क्या कोई ऐसा फिजिकल टेस्ट ये सभी होता है या फिर नहीं होता है? देखिए, मेडिकल का क्या है ना, जैसे आपका ज्वाइनिंग लेटर है, तो ज्वाइनिंग लेटर में आपके पास एक लेटर लिखा रहेगा, वो उसमें आपका फॉर्मेट दिया रहता है, और उसको क्या रहना रहता है, आप जहाँ रहते हो ना, जहाँ आपका घर है उसके नियरेस्ट सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर से उसको आपको साइन करवा के लेके जाना रहता है। तो आप नियरेस्ट हॉस्पिटल जहाँ पे आपके सीएमओ बैठते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहां आप जाइए, नॉर्मल सा वो आई टेस्ट, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट ये करते हैं, एक सिंपल सा होता है, इसमें किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है, इसमें कोई भी मेडिकल क्राइटेरिया नहीं है, तो सब कोई को पास कर दिया जाता है, एक सिंपल सा वो सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं, और वो ज्वाइनिंग के साथ आप अपने ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं। ओके सर, मेडिकल के बारे में थोड़ा और भी स्टूडेंट्स की जो है वो क्वेरी आई है कि किन्हीं को अगर कुछ अगर क्रॉनिक डिजीजेज़ हैं। ओके, जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो बोल रहे हैं उनसे उन्हें जो है वो कुछ कह रहे थे कि उनका हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम था, और किन्हीं को कुछ अगर क्रॉनिक डिजीजेज़ भी होती हैं, तो क्या उस आधार पर उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर उन्हें टाइम दिया जाता है ऑपरेशन ये सभी के लिए? देखिए, पहली बात तो ये कि इस जॉब में कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप ये के चाहिए कि आपको 99% चांस है कि वो कभी नहीं रोकेंगे, ठीक है? आपको कोई भी डिजीज है, जैसा भी डिजीज है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आके ज्वाइन करो, ठीक है? तो इस पे कहीं नहीं रोका जाता है, और बाई चांस अगर रोक भी दिया गया तो आपको, जैसे हमारे में एक फ्रेंड थे, उनकी आंख की कुछ प्रॉब्लम थी, मतलब आंख का, एक आंख का पावर बहुत ज्यादा था, तो वो जब हॉस्पिटल में गए ना, तो उनको क्या किया गया, रेफर किया गया एक पैनल के पास, ठीक है, डॉक्टर्स के पैनल के पास। वो 1 month के बाद उन्होंने एग्जामिन किया, और उन्होंने लिख के दे दिया कि ये आदमी सुटेबल है जॉब के लिए। तो आप इसकी टेंशन बिल्कुल ना ले, आप लोग को कोई भी क्रॉनिक डिजीज या किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। ओके सर, तो मेडिकल के रिगार्डिंग आपने वो क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है, और आई होप कि इससे जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो बहुत ही हेल्प मिलेगी। और अगर फिर भी अगर आपकी कोई स्टूडेंट्स अगर आप कैंडिडेट आपकी डाउट आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं जो सर से जो है वो पर्सनली आप सभी के क्वेरी जो है वो लेने की कोशिश करूंगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।